इंदौर में कुछ दिनों पूर्व मानव तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें एक पूरा गिरोह बच्चों की खरीद फरोख्त का काम करता था और निसंतान दंपतियों को बच्चे बेच दिया करता था। इंदौर में मानव तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। मानव तस्करी काम में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 6 आरोपी सीधे तौर पर नर्सिंग होम से जुड़े हुए थे। यह आरोपी अपने मूल काम के अलावा अविवाहित महिलाओं की डिलीवरी कराकर उनके बच्चों को बेचने का कार्य करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के अनुसार इन नर्सिंग होम से जुड़े 6 आरोपियों ने एक प्रकार की गैंग बना ली थी और वह बच्चों की खरीद फरोख्त का कार्य करते थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 दिन पूर्व गिरफ्तार हुए रमाकांत शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच इंदौर अरुणा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर हेमंत से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जिन बच्चों को बेचा गया था वह ऐसे बच्चे थे जो ऐसे नवयुगल से हुए थे, जिनके बीच प्रेम संबंध था और बिना विवाह किए इन बच्चों को जन्म दे दिया था। यह गिरोह इन लोगों को मोटी रकम देकर बच्चे खरीद लिया करते थे। इस मानव तस्करी गैंग मास्टर माइंड बबलू, नर्स शिल्पा, भारत मौर्य, रमाकांत पवन, अमित हाड़ा और डॉक्टर हेमंत को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने 10 दिन की बच्ची और 2 माह के बच्चे के बारे में पता लगा लिया है और कार्यवाही की जा रही है। इसमें कुल मिलाकर जो शुरू में जो ट्रैप लगाया गया था उसमें एक बबलू और शिल्पा जो मसिन वाइफ है उनके द्वारा एक बच्ची को 10 दिन की बच्ची थी उसको सेल करने के लिए आए थे। तो वहाँ पर फिर मौके पर ही उनको पकड़ा जाकर मेला थाना द्वारा और उसमें FIR रजिस्टर की गई थी और गिरफ्तार किया गया था। फिर इसमें बबलू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसने 2 बच्चे भी ठाकरे नाम की महिला को दिए हैं। तो फिर जब वो भी आइडेंटिफाइड किया गया तो उसमें एक बच्चा 2 महीने का था और एक बच्चा लगभग 2 साल का था। तो इसमें फिर जब पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि एक बच्चा उसको भरत मौर्य के द्वारा दिया गया है और भरत मौर्य को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये बच्चा अपने ही क्लिनिक में पार्वती नर्सिंग होम जो कि तेजाई नगर में खुला हुआ है उसमें उसने इस बच्चे को लिया था। इसमें चूँकि एजेंटशिप इसके द्वारा की गई थी बबलू के द्वारा और उसके द्वारा इसको ठीक ठाक और दिया गया था। दूसरा बच्चा भी उसके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर रमाकांत शर्मा जो BMS है उनके द्वारा दिया गया था और रमाकांत शर्मा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कोई आलोक भदौरिया के द्वारा ये बच्चा दिया गया। तो फिलहाल इसमें जो 2 BMS डॉक्टर हैं डॉक्टर भरत मौर्य और इसके अलावा जो डॉक्टर रमाकांत शर्मा दो लोग और बबलू की वाइफ और जो मीडिएटर को बुलाकर कुल मिलाकर 7 लोग इसमें हिरासत में भी लिए गए गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ आरोपी PR पे कुछ लोग GR पे कुछ अपराधी GR पे चले गए हैं। इसमें जो 2 जो बच्ची हैं उसमें ये आइडेंटिफाइड हो गई हैं जो अविवाहित युवती है उनके द्वारा जो एक जो करोना नर्सिंग होम में जो 10 दिन की बच्ची है उसको वहाँ पर डिलीवरी की गई थी जो कि काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में आई थी। जैसा कि डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसमें काफ़ी मेडिकल इमरजेंसी थी। 24 अगस्त को उनके द्वारा रजिस्टर में जो एंट्री रजिस्टर में देखा गया था 24 अगस्त को उनकी एंट्री थी और 24 को उनका डिपार्चर था और उसमें पति का नाम लिखाया गया था जो कि बाद में जो कि फोर्स अभी गलत नाम पता चल रहा है और उसमें भी आइडेंटिफाइड हो गया है। और दूसरे मैटर में भी आइडेंटिफाइड हो गया है कि जो बच्ची थी वो भरत मौर्य के क्लिनिक में गायत्री जो पार्वती नर्सिंग होम है उसमें 2 महीने पहले उसने दिया था वो भी अविवाहित थी तो और उसके द्वारा भी बच्चे को बाद छोड़ा गया था। तो उसके बाद भरत मौर्य ने इसको बबलू को दिया था जिससे कि बबलू ने उसको रीत ठाकरे को दिया था 1,20,000 में। अभी तक की जो बात सामने आई है कि 1,20,000 में दोनों ही बच्चे पहला मतलब 2 बच्चे जो रीत ठाकरे को दिए गए थे वो 1,20,000 और 1,20,000 कुल मिलाकर 2,40,000 में इनको सेल करना अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है। और इसमें जो करोना नर्सिंग होम के जो डॉक्टर हेमंत कंसल उनसे भी पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा एंट्री रजिस्टर पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 24 को एंट्री हुई थी और उसमें जो रेफरेंस दिया गया था वो डॉक्टर पवन आर्य का दिया गया था जो कि 9 तारीख से ही फरार है अभी और उनको 24 अगस्त को ही उन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन किया था
कि हम छोटा मोटा काम लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं है, तो मैं ये सब थोड़े छोटे काम कर लिया करूँगा। तो डॉक्टर का कहना है कि हमने उसको रख लिया था 24 अगस्त के बाद 26 अगस्त को वो उन्हीं के रेफरेंस पे, वो चूँकि रजिस्टर भी देखा गया तो उन्हीं का रेफरेंस जो पेशेंट का रहता है उसमें डॉक्टर पवन आर्य का नाम लिखा हुआ है। तो उसमें फिर 9 तारीख को उनकी तरफ फ़ोन लगाया गया, तो फोन बंद आ रहा है पवन आर्य का उस दिनांक से, उसको भी अभी सर्च किया जा रहा है। बाकी डॉक्टर कंसल्ट किया, जो डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्टर्स हैं, जो रिसिप्ट है, जो उनके द्वारा जो क्या क्या फीस ली गई थी, डिलीवरी चार्जेस क्या लिए गए थे, लगभग 20,000 उन्होंने रिसिप्ट पेश किए हैं। और इसके अलावा भी जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड है, अटेंडेंट रजिस्टर में भी पवन मौर्य का जो 24 से 31 सितंबर का भी उसकी प्रेजेंट लगी हुई है, और 24 से 31 अगस्त तक की उसकी प्रेजेंट लगी हुई है। फिर अभी 9 सितंबर तक उसकी 8 सितंबर तक प्रेजेंट लगी हुई है। 9 को वो जिस दिन से ये केस एक्सपोज हुआ है उस दिनांक से वो फरार है। तो फिलहाल अभी उसकी खोजबीन की जा रही है और भी अन्य तथ्यों का पता लगाया जा रहा है कि इसमें क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। फिलहाल इसमें विवेचना जारी है और जो भी डिफरेंट एंगल्स आएंगे, अभी तो कोई नई बात सामने नहीं आई है। इन 3 बच्चों के अलावा भी और ऐसा कोई भी प्रार्थी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इस घटना से जुड़े हुए या इन लोगों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर कोई आशंका व्यक्त कर रहा हो या उनके बारे में कोई ऐसा इनपुट दिया जा रहा हो कि इसमें और भी बच्चे इनके द्वारा बेचे गए हैं। तो अभी विवेचना जारी है, अन्य तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।